ये स्टूडेंट्स असलम टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इन्वेंट्री आइटम विद इन क्विक बुक्स यू शुड रिमेंबर दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट दैट वी आर बाइंग विच वी इंटेंट टू सेल और इंटेंट टू यूज़ टू मैनुफैक्चर आर ओन गुड्स ये बेसिकली वो खाम माल भी हो सकता है और वो आपकी तजारत का माल भी हो सकता है जिसपे आप अपना पूरा बिजनेस रन कर रहे हैं इस इन्वेंट्री को हमेशा हम अपने पास मेंटेन करते हैं और इसका रिकॉर्ड रखते हैं और याद रहे ये हमारा एसेट है जितनी भी इन्वेंट्री हम इस्तेमाल करने के लिए लेकर आएंगे ये हमारा एसेट है और जब हम इसे सेल करेंगे तो हम वो हमारी इनकम होगी हम इसको इसके ऊपर भी कोई ना कोई काम कर सकते हैं और एडिशन करके भी इसे सेल कर सकते हैं और चाहे तो जैसे ही हमने चीज़ ली है वैसे ही बेच सकते हैं बहुत सारी रिटेल की शॉप्स हमारी सुपर मार्केट्स इस रिटेल गुड से भरी हुई है जो कि बेसिकली यही मटेरियल है जो उन्होंने ख़रीदा होता है और जूँ का तू आगे बेच देते हैं इसी तरह से हार्डवेयर स्टोर्स जितने स्टोर्स आप देख रहे हैं गाड़ी की दुकानें आपके पास टी वी वी ये तमाम जो दुकानें आप देखते हैं इनमें तमाम में ये मटीरियल उनका मेन बिजनेस होता है जो वो ख़रीदते हैं और अपने कस्टमर्स को आगे बेचते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बना रहा होता है वो डायरेक्ट बहुत कम होता है कि वो अपने ही आउटलेट से ये चीज़ें बेचे क्यों उसको बहुत ज़्यादा आउटलेट चाहिए होती है इतनी ज़्यादा जो वो चीज़ मैनुफेक्चर कर रहा है उसके तरसील के लिए उसे बेचने के लिए तो इसलिए वो अपने डीलर्स और बहुत सारे शॉपकीपर्स को इंगेज करता है उनको माल देता है और वो आगे से बेचते हैं इस तमाम चीज़ का हमें रिकॉर्ड रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारा सबसे बड़ा ख़र्चा किसी भी बिज़नेस का इस मटेरियल को ख़रीदने में लगता है और वो ख़र्चा हम उसको सेल करके हासिल करते हैं और उसी से अपना मार्जिन भी लेते हैं इसीलिए हमें ये इन्वेंट्री हमें इसकी तादाद पे ख़ास नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि बाज दफ़ा किसी भी वजह से हमें नुकसान हो सकता है और वो वजूहत ये नहीं है कि सिर्फ चोरी है ये भी हो सकता है कि पड़े पड़े किसी की एक्सपायरी आ जाए कोई चीज़ कहीं पड़े पड़े टूट जाए ख़राब हो जाए या काउंटिंग गलत हो जाए ये बहुत सारी वजूहत हैं जिनके बुनियाद पे हमें इन्वेंट्री पर ख़ास ध्यान देनी पड़ती है कि वो हमारा बैकबोन है हमारा पूरे बिज़नेस का असल सरमाया वही है जो कि हम बाद में सेल कर रहे हैं हमें क्विक बुक्स में आप चल के देखते हैं कि किस तरीके से इन्वेंट्री को हम मेंटेन करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड करते हैं और रजिस्टर करते हैं क्विक बुक्स में ताकि हम उसके ऊपर तमाम प्रोक्योरमेंट उसकी स्टोरेज और अल्टीमेटली गेटिंग इट रेडी फॉर सेल ये तमाम चीज़ें हम किस तरीके से हैंडल करते हैं और साथ साथ ये भी देखना है हमने कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें इन्वेंट्री आ रही है हमारे पास अपने वेंडर की इन्वाइसें आ रही हैं वो हम कैसे हैंडल कर रहे हैं और फाइनली हम उसको पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें जो हम देखना चाह रहे हैं तो हम क्विक बुक्स में हमने लास्ट लेक्चर में इन या ऑन कर दिया था अपना इन्वेंट्री का पूरा सिस्टम नाउ लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स एंड स्टार्ट रजिस्टरिंग आर इन्वेंट्री आइटम्स जैसे कि आप जानते हैं इन्वेंट्री आइटम इज़ वन ऑफ द आइटम्स दैट वी हैव टू रजिस्टर विद इन आर सिस्टम और इसको हमें लिस्ट में जाके रजिस्टर करना पड़ता है जैसे ही हम अपनी आइटम लिस्ट में जाते हैं तो हमारे पास जितने भी हमारे आइटम्स हैं वो हमें नज़र आने लग जाते हैं क्योंकि हमने इस वक्त इन्वेंट्री पार्ट बनाना है तो हमने इसे एज एन इन्वेंट्री पार्ट ट्रीट करते हुए अपने पास रिकॉर्ड करना है हमने जब ये कंपनी बनाना शुरू की थी और क्विक बुक शुरू किया था तो हमने सोचा था कि हमारी कंपनी दोनों काम कर रही होगी प्रोडक्ट भी सेल कर रही है और साथ साथ सर्विसेज भी दे रही है और क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी हमने विजुलाइज़ की थी तो उसमें एक आइटम जो कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है वो होता है सीमेंट तो आइए हम सीमेंट का एक आइटम बनाते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से हम उसे ट्रीट करेंगे सबसे पहली चीज़ हम इस लिस्ट में सबसे नीचे जाएं और वहां देखें आइटम लिखा हुआ है आइटम को जब हम करेंगे तो ड्रॉप डाउन से हमें पता चलेगा कि हमने इसे न्यू आइटम हमने क्रिएट करना है ये जो न्यू आइटम है हम रजिस्टर करने जा रहे हैं दिस इज़ बेसिकली आर इन्वेंट्री पार्ट इन्वेंट्री पार्ट वो है जिसका हम सारा रिकॉर्ड रख रहे हैं और जो हम इवेंचुअली सेल करेंगे जैसे ही हमने उसे चूज़ किया हमारे पास ये सामने स्क्रीन आ गई ये स्क्रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हमने समझना है और इसी को हमने फिल करना है ताकि हमारा आधे से ज़्यादा काम जो अकाउंटिंग का है वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे हमारा क्विक बुक्स खुद कर दे इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ Different items, vendor, customers is very important within QuickBooks. ek dafa एक दफ़ा sahi kar सही कर दी तो बाकी काम खुद hi theek ho ठीक हो जाता है जैसे कि अगर आपने घर की बुनियाद सही डाल दी है तो upar उसके ऊपर जो hoga खड़ा होगा वो सही होगा तो सबसे पहली चीज़ जो वो हमसे पूछ रहा है वह है आइटम नंबर या नेम बहुत सी कंपनियाँ अपने आइटम्स को या कमोडिटीज़ को या गुड्स को मुख्तलिफ नंबरिंग स्कीम से महफूज करती हैं अगर आपके पास नंबरिंग स्कीम चल रही है तो आप नंबरिंग स्कीम डालें क्योंकि बहुत से ऐसी जगह होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आइटम होते हैं इसी सुपर स्टोर में आप जाएंगे बहुत ज़्यादा आइटम है तो वो नंबरिंग स्कीम पर चल रहे हैं अगर आपके पास क्योंकि हम बड़ा सेलेक्टेड मटेरियल बेच रहे हैं तो हम नाम पे भी जा सकते हैं और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अब जो हम आइटम रजिस्टर करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सीमेंट दूसरा सवाल ये कर रहा है क्या ये सब आइटम है किसी मेन आइटम का किसी पेरेंट का ये चाइल्ड है अभी हम ये कहते हैं कि नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम अभी नहीं लेकिन हम सब्सिक्वेंटली अगले लेक्चर में देखेंगे कि सब आइटम होता क्या है लेकिन हम चाहें तो इसे हम सब आइटम भी करार दे सकते हैं इस लेक्चर में इसे हम मेन आइटम ही चूज करते हैं अगली चीज जो हमसे पूछता है वो कहता है मैनुफैक्चरर्स पार्ट नंबर अब मैन्युफैक्चरर्स पार्ट नंबर क्या होता है मैनुफैक्चरर्स पार्ट नंबर ये होता है कि जो वेंडर आपको चीज़ बेच रहा है उसके पास अपना पूरे जो उसकी इन्वेंट्री या जो चीज़ वो मैनुफैक्चर कर रहा है उसका एक रिकॉर्ड होता है और उसने अपने तमाम चीज़ों को कोई ना कोई नंबर दिया गया होता है मिसाल के तौर पर आप तीन चीज़ें तीन मुख्तल लोगों से ले रहे हैं जिसमें से एक जगह से आप सीमेंट ले रहे हैं एक से आप सरिया ले रहे हैं और किसी से हम ईंटे ले रहे हैं सीमेंट वाले जो हैं वो अपने पास तीन टाइप की सीमेंट्स बना रहे हैं एक ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट है एक वाइट सीमेंट है और एक है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट जब आप उनसे सीमेंट कहेंगे तो आपसे अगला सवाल कहेंगे ये बताओ कि कौन सी वाली सीमेंट चाहिए और उसका उन्होंने कोई ना कोई नंबरिंग या कोडिंग स्कीम रखी होगी या नाम रखा होगा तो यहाँ अगर आप उस अपने वेंडर को उसी नाम से ऑर्डर दें जो उसने अपने पास लिस्ट करके लिखा हुआ है तो उसको वो चीज़ बेचने में उसे सेलेक्ट करने में उसे आसानी होगी समझने में बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स वाले बहुत ज़्यादा पार्ट्स मैनुफैक्चर करते हैं और जब हम उनको ऑर्डर करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि किस मॉडल की किस ईयर की किस चीज़ की हम रिक्वायरमेंट आपको भेज रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम मैन्युफैक्चरर का जो हमें वेंडर सप्लाई कर रहा है उसका पर्टिकुलर पार्ट नंबर हम उसको दें ताकि ट्रांजैक्शन बिल्कुल शफाफ और समझ में आने वाली हो जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे हमें पूरी कोशिश होगी हमारी कि हम उसको इस तरह से अपने वेंडर को एक्सप्लेन करें और सबसे बेहतर तरीक़ा ये होगा कि उसकी अपनी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज क्या है जो हम उससे ख़रीद रहे हैं उसके ही पार्ट नंबर के अगेंस्ट हम वो चीज़ परचेज करें तो बहुत बेहतर होगा कि आप अपने वेंडर का जो भी पार्ट नंबर है फॉर दिस पर्टिकुलर चीज़ वो यहाँ लिख दें यूनिट ऑफ मेजर्स हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं इसमें हम लिख सकते हैं कि हमने एक नया बनाया है यूनिट ऑफ मेजर बैग्स हमारे पास जितने सीमेंट आता है वो बैग्स में आता है अगर आपके पास यूनिट ऑफ मेजर इससे फर्क है तो आप एक नया यूनिट ऑफ मेजर ऐड कर सकते हैं अगली चीज कॉस्ट कॉस्ट वो है जिस पे हम अपने जो भी हमारा वेंडर है उससे चीज़ खरीद रहे हैं हम उससे ये चीज आठ सौ रुपये पर बैग ले रहे हैं सेल्स प्राइस वो प्राइस है जिस पे हम ये चीज़ सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर को हम ये प्राइस आठ सौ अस्सी रुपये रख रहे हैं अब याद रहे कि हमारे पास अकाउंट्स के अंदर जिस हेड में जब भी हमसे कोई सेल होगी तो सेल की पूरी वैल्यू जहां जाके स्टोर हुआ करेगी वो है जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब आप ये याद रखें कि जब भी हमने कोई चीज़ सेल करनी है तो वो 800 पर बैग के हिसाब से सेल हुआ करेगी और उसकी जो वैल्यू आएगी सेल्स की वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में ये फील्ड अकाउंटिंग का मौजूद है ऑटोमेटिकली ये वहाँ जाके सेव हुआ करेगी इसी तरह से इनकम अकाउंट इनकम अकाउंट जो है वो हमें बताता है कि ये कौन सा अकाउंट है जिसके तहत ये चीज जो हम बेच रहे हैं उसके पैसे हमें मिलने हैं इसमें जो हमारी सेल हो रही है दैट इज़ अगेंस्ट मटीरियल इनकम यह हम कोई सर्विसेज नहीं दे रहे हम मटेरियल इनकम अगर हम इसको ज़्यादा रिफाइन करना चाहें तो हम इसे सीमेंट सेल्स का एक नया हेड भी खोल सकते हैं लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी आर डूइंग इज़ हम इसे मटेरियल इनकम के तहत इसको वसूल कर रहे हैं अपने पास और ये अब आपने एक दफ़ा डिफाइन कर दिया है यू डू नॉट नीड टू डिफ़ाइन इट अगेन अकाउंटिंग आपके जितना भी काम आप कर रहे होंगे उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली हो रही है। इसलिए रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन को आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन में हम कर क्या रहें इसके साथ साथ जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये जो चीज़ आती है जो हम ख़रीदते हैं वो हमेशा हमारा एसेट होता है तो ये हमेशा इन्वेंट्री एसेट के अंदर इसकी पूरी वैल्यू जाया करेगी तो इसकी जो भी वैल्यू है 800 से मल्टीप्लाई होके अगर हमने 10 बैग खरीदे हैं आठ सौ से मल्टीप्लाई होके आठ हज़ार रुपये हमारे इन्वेंट्री एसेट में जाएंगे और जब हम इसको सेल करेंगे तो वही आठ हज़ार रुपये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाएंगे और हमारे इन्वेंट्री एसेट से कम हो जाएंगे ये है अकाउंटिंग प्रैक्टिस ये हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि मिनिमम वो कौन सा लेवल है जिसके ऊपर कंप्यूटर या सिस्टम आपको बताए कि अब आप दोबारा से ऑर्डर कर दें आपकी इन्वेंट्री कम हो रही है तो हम लिखते हैं कि जैसे ही सौ बैग्स हमारे पास पहुँचें आप फ़ॉर रीऑर्डर के लिए हमें मुतल करें ऑन हैंड ये बता रहा है कि ये बताइए कि आपके पास इस वक्त कितनी तादाद मौजूद है बैग्स की जो आपके स्टोर में मौजूद हैं हम कहते हैं जी हमारे पास हज़ार बैग्स मौजूद हैं और जैसे ही हज़ार करके हमने टैब का बटन दबाया तो आपने देखा कि इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई है टोटल वैल्यू कहाँ से आई है हज़ार बैग्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुई और ये जाके सेव कहाँ होगी जैसे हम कहेंगे कि सेव होगी इन्वेंट्री एसेट के अंदर सो नाउ दिस शुड बी क्लियर कि हम किस तरीके से इस चीज़ को रजिस्टर करते हैं हम कोई भी इन्वेंट्री आइटम लेंगे उसको पूरे अच्छी तरह समझने के बाद कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ जानी है उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जानी है या किसी और में जानी है ये देख के कि उसका इनकम किस अकाउंट में आना है और वो इन्वेंट्री के एसेट के अगर कोई सब अकाउंट बने हुए हैं तो कौन से अकाउंट में जानी है ये सारी चीज़ें मालूम करने के बाद हमने इन्वेंट्री आइटम जो है अपने पास रजिस्टर करना है फॉर दिस सेशन वी आर गोइंग टू एंड आर कंप्लीट लेक्चर ऑन दिस नोट इन नेक्स्ट सेशन वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गो एंड सी हाउ टू क्रिएट अ सब आइटम फॉर दिस लेक्चर वॉट वी आर गोइंग टू डू इज हम सीमेंट को इतनी डिटेल में सेव नहीं करेंगे वो सारी चीज़ें हम जब हम अपना सब आइटम डिफाइन करने लगेंगे उसमें डालेंगे हम सीमेंट को एज अ पेरेंट ट्रीट करते हुए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेवल अबब वाली इंफॉर्मेशन डालेंगे जिसमें इसकी कॉस्ट इसकी प्राइस और रीऑर्डर लेवल इन हैंड क्वांटिटी कुछ भी नहीं आएगी रीज़न बी कि इस वक्त फिलहाल हम जो चीज़ सेव करना चाह रहे हैं वो एक हेड है उसका नाम है सीमेंट इसकी बाइफर्केशन सब आइटम्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगी इन दिस लेसन वी हैव सीन दैट सीमेंट is our main item under which we are going to define different type of cements until next time thank you so much